आगे विद एसएएस दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला है यूपीटीप्लसी के बारे में। बात करेंगे यूपीटीप्लसी ने जारी किया ऑफिशियल नोटिस, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। फिर 2022 एजीटीए भर्ती अपडेट और उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से एक वैकेंसी आई है और योग्यता बीएससी एजी एंड एलाइड मांगी गई है, तो इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी आप लोगों को। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझ आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, आज मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें आप लोगों को बता दिया था कि यूपीटीप्लसी आयोग में मीटिंग है और आज कोई ना कोई नोटिस जारी होगा। हालांकि मैंने उसमें जानकारी दी थी कि जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट जारी हो सकता है, लेकिन किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उसको रोक दिया गया है और यूपीटीप्लसी ने पेट 2022 के एडमिट कार्ड जो है जारी कर दिए हैं और उसका ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। ये आप देख सकते हैं, 1 अक्टूबर 2022 की डेट पड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। विज्ञापन संख्या परीक्षा, ये 4 परीक्षा 2022 प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, मतलब पेट 2022 का एग्जाम जो है वो 15-16 अक्टूबर को आप लोगों का 10 से 12 और 3 से 5 बजे ये होगा और ये 15-16 अक्टूबर 2 दिन होगा, ठीक है, और 2-2 पालियों में होगा, मतलब 4 पालियों में आपका एग्जाम होगा। ये सब जानकारी तो पहले ही आप लोगों को दे चुका हूँ और इसके अलावा ये 1 तारीख है आज, और आज से ही आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसका कोई अलग से लिंक नहीं दिया गया है वेबसाइट पे, और जब वेबसाइट खोलते हैं तभी वो सामने से लिंक आ जाता है। फिर भी आप लोगों को अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ मैंने लिंक सेंड कर दिया है, उसमें 5 लिंक दे दिए हैं। आप 5 में से किसी भी लिंक पर जाके और अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर वेबसाइट जो है, क्योंकि 40 लाख लगभग आवेदन आए हैं पेट में और सभी को एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, आज ही एडमिट कार्ड आए हैं, तो वेबसाइट हो सकता है थोड़ा बिजी हो जाए, तो आप लोग जो है थोड़ा रुक के भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो आराम से डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, टारगेट विद एसएएच नाम से सर्च करेंगे और यहाँ पर आप लोग इस ये चैनल आ जाएगा टेलीग्राम, इसको आपको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दोपहर में जैसे ये ऑफिशियल नोटिस आया था, मैंने यहाँ पे ये करीब 3:15 बजे ही यहाँ पे सेंड कर दिया था। और इसके अलावा यहाँ पे जो छोटी मोटी बातें होती हैं वो भी शेयर करता रहता हूँ, जैसे कि सेंटर जो है काफ़ी दूर गए हैं और जिसको लिंक नहीं मिल रहा है तो वो यहाँ पर लिंक मैंने शेयर कर दिया है ये अलग से भी। इसके अलावा एडमिट कार्ड के ये 5 लिंक मैंने शेयर किए हैं, इस पर चैनल पर जाके आप लोग टेलीग्राम चैनल पर आके ये लिंक से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सेंटर जो है इस बार काफ़ी दूर बना दिए गए हैं, लगभग 200-300 किलोमीटर, 150 या 100 ऐसे सेंटर बहुत दूर दूर तक बनाए गए हैं, मतलब 500 किलोमीटर दायरे तक इसके सेंटर बनाए गए हैं इस बार, ठीक है। इसके अलावा यूपीपीएससी एआरओ टाइपिंग का नोटिस यहाँ पे डाल दिया है, जिसको चाहिए वो यहाँ से डाउनलोड कर सकता है। और यूपीएसआई मेडिकल की न्यूज आ गई है और मेडिकल स्टार्ट होने वाला है 17 अक्टूबर से, ये भी यहाँ पे डाल दिया है। तो यहाँ पे बहुत सारी न्यूज़ अपडेट देता रहता हूँ, इसको जरूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। इसके अलावा यहाँ पे स्टडी मटेरियल देता रहता हूँ मैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइल वाले लिंक में जाके, और यहाँ पर पीईटी के लिए जो है मॉक टेस्ट वगैरह, ये करंट अफेयर्स आप देख सकते हैं, ये करंट अफेयर्स दे दिया है पूरा। और यहाँ पर जो बुक है पीईटी रोजगार विद अंकित वाली, और यहाँ पे पिनकल जो जीएस बुक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं ये प्रैक्टिस सेट वगैरह जो है, प्रैक्टिस सेट रेडियन के, और इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारी बुक्स की पीडीएफ दी हैं। और आप देख सकते हैं ये यूथ कंपटीशन पीटी प्रैक्टिस सेट और यूपीटीप्लसी पीटी प्रैक्टिस सेट प्लेटफॉर्म, अरिहंत के प्रैक्टिस सेट, रोजगार विद अंकित और एग्जामपुर के सभी प्रैक्टिस सेट आप लोगों को यहाँ पे आके डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग फाइल वाले सेक्शन में, ठीक है। तो आज जो मैंने जानकारी दी थी उसके बारे में बता दूं कि अब ये नोटिस जो है आप लोगों को अगले हफ्ते देखने को मिलेगा, जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट, और फिर उसके कुछ ही दिन में, हो सकता है अगले हफ्ते या थोड़ा सा लेट हो जाए, आपको जूनियर असिस्टेंट 2022 का नया विज्ञापन भी देखने को मिल जाएगा बहुत जल्द, ठीक है। इसके आगे बात करते हैं एजीटीए भर्ती अपडेट को लेकर। तो दोस्तों, तो आपको बता दें एजीटीए भर्ती को लेकर कोशिश जो है पूरी तरह से छात्रों की जारी है, और ये आप देख सकते हैं यूपीटीप्लसी के बारे में ये कैलेंडर लगा के ट्वीट कर रहे हैं छात्र, और ये सूर्य प्रताप शाही का ट्विटर अकाउंट है, ये उन्होंने जो ट्वीट किया है वहाँ पे छात्र ट्वीट कर करके इनको याद दिला रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये किसी छात्र ने ये किया है, ये देखिए इन्होंने लिखा है, सर आप से अपने विभाग के बच्चों का
समाधान तो हो नहीं रहा, AGTA की वैकेंसी का वादा करके भूल गए, पेट 2021 की वैकेंसी अभी तक नहीं आई। जब इसको कमेंट को देखो तो अपनी आत्मा से पूछना कि क्या मैं उन बच्चों के साथ अच्छा कर रहा हूँ जो ओवर एज होने वाले, इंतजार करते करते। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिप्लाई आया है सूर्य प्रताप शाही जी का। तो ये देखिए, विज्ञापन के अनुसार प्रीलिमिनरी परीक्षा हो चुकी है किंतु माननीय सर्वोच्च निब के आदेशानुसार पहले 700 अभ्यर्थियों को परीक्षा का अवसर दिया जाना है। वह प्रक्रिया परा होने के बाद ही यह प्रक्रिया पूरी हो पाएगी, धीरज बनाए रखें। परा मतलब पूरी है इनका मतलब, और 700 बच्चे बता रहे हैं जबकि ये 906 छात्र हैं जिनका ये मैटर फंसा हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो सूर्य प्रताप शाही जी हैं और जो कृषि मंत्री हैं यूपी के, उनकी उन्होंने बोला है कि धीरज बनाए रखें, और मुझे लगता है इनको पूरी तरह से मैटर ही नहीं क्लियर है। 700 अभ्यर्थी बता रहे हैं जबकि 906 अभ्यर्थियों का मैटर है, ठीक है। तो आप लोगों से यही बोलना चाहूँगा, अभी तो आप लोग पेट 2022 का आप लोगों का एडमिट कार्ड आ गया है, तो आप उस पर फोकस कीजिए, और 50-50% चांसेस हैं आपकी AGTA की वैकेंसी पेट 2021 से आने के। 50% मतलब आ भी सकती है, 50% नहीं भी आ सकती है, क्योंकि इस समय जो हालात हैं और जो भी स्थित है उसी को लेके आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है, तो हो सकता है अगले पेट से आए, पेट 2022 से, तो भी 15 दिन है। और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे पूरा नोट्स मटेरियल सब 2-3 महीने पहले से ही दे रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और कम से कम अपना स्कोर जो है वो 50 नंबर बना लीजिए आप लोग, 50 नंबर कम से कम। AGTA वालों वाले छात्रों को लिए बोल रहा हूँ मैं, 50 नंबर बना के रखिए अपना स्कोर पेट 2022 में, तभी आप लोगों को मेन एग्जाम में बैठने का मौका मिल सकता है। ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, ठीक है, और ये अनुमानित है, ये घट भी सकता है बढ़ भी सकता है। आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए स्कोर कीजिए अच्छा पेट 2022 के एग्ज़ाम में, और इसके अलावा कम से कम 50 नंबर तो ज़रूर स्कोर कीजिए, तभी आप लोग अगले अगर PET से AGTA की वैकेंसी आती है तो आप लोग उसमें मेन एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। वैसे पेट 2022 के एग्ज़ाम के बाद जो 15-16 अक्टूबर को हो जाएगा, उसके बाद AGTA भर्ती निकलवाने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी, और जोरदार धरना प्रदर्शन होगा सभी छात्रों द्वारा, तो उसके लिए अलग से मैं जानकारी दे दूंगा आप लोगों को। तो छात्र कई बहुत सारे कमेंट कर करके पूछ रहे थे, तो मैंने ये जानकारी आप लोगों को दे दी AGTA से संबंधित। इसके अलावा बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान केंद्र में एक वैकेंसी और योग्यता BSc AG in Allied। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये ICR VKS कृषि विज्ञान केंद्र और ये नोटिस है, और धौरा उन्नाव, मतलब उन्नाव का जो धौरा में जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ से ये एक वैकेंसी निकली है, और यहाँ पे फार्म मैनेजर की ये पोस्ट है T4, और यहाँ पे स्केल जो है वो 35,000 से 1,12,400, लेवल 6 एज पर 6th CPC पे मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है, देख सकते हैं आप लोग, बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर और एनी अदर ब्रांच ऑफ साइंस सोशल साइंस रिलेवेंट टू एग्रीकल्चर और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये दिया गया है, ठीक है। और एज लिमिट इसकी जो है वो 18 से 30 साल मांगी गई है, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं अपॉइंटमेंट एवं पोस्ट सब्जेक्ट डिसीजन ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट लखनऊ अंडर रिट नंबर ये, और इसके अलावा यहाँ पे पूरी डिटेल है, और आप लोगों को ये फॉर्म अप्लाई करना है तो इनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, ये देख वेबसाइट ICR की, ये इस पे ICR की वेबसाइट पे आप लोग जाएंगे और वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। और इसका ये जो है नोटिस, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग इसमें ये एड्रेस दिया गया है यहाँ पे, देखिए ये सीनियर साइंटिस्ट एंड हेड ICR VKS कृषि विज्ञान केंद्र धौरा उन्नाव, और ये यहाँ पे आप लोग जो है अपना डॉक्यूमेंट्स के साथ अपना ये एप्लीकेशन जो है सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा ये ईमेल है, ये ईमेल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, टारगेट विद SAH नाम से सर्च करके आप लोग वहाँ से ये डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आशा करते हैं आप लोग पूरी जानकारी समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।